हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज मैं बनाने जा रही हूँ चोखा बाटी। चोखा बाटी गाइस बनाने के लिए मैंने दाल बनाने के लिए गाइस मैंने चारों दालें ली हैं। ये अरहर की है, ये छिलका वाली मूंग की दाल, उड़द की छिलका वाली दाल और चने की दाल। सो गाइस सबसे पहले बनाएंगे दाल। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। सो गाइस इसको सबसे पहले पानी में भिगो देंगे, भिगो देंगे पानी में। और भिगोने के बाद इसको दो तीन पानी से धो लेंगे। ये कुकर लेंगे और कुकर में इस तरीके से ये दाल डाल देंगे और इसको धो लेंगे। कुछ ज़्यादा पानी से धोएंगे बस। गैस को ऑन करेंगे और इसको कुकर रख देंगे। इसमें गैस एक लोटा पानी डाला है, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसमें 2 टीस्पून मैंने डाला है, आधा टीस्पून टर्मरिक पाउडर। अब इसको बंद कर देंगे और कम से कम 4 सीटी लगाएंगे गैस। और इसको तुरंत नहीं खोलना है, आधे घंटे के बाद ही खोलेंगे। गाइस दाल में सीटी आ चुकी है और 4 सीटी समथिंग लगाई है और इसके गैस कुकर ठंडा भी हो गया है और इसको खोल के देखेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं कि दाल ये बन चुकी है। इस तरीके से दाल आप बना सकते हैं। गैस दाल में तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए मैंने तवा रखा है और इसको गर्म करेंगे। अभी अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर इसमें 1 टीस्पून घी डालूंगी। ये गाइस मैंने हींग ली है तो हींग को यहाँ पर डाल देंगे और खल्लड़ वाला जो अदरक कुचलने वाला है उससे इसको दबा देंगे। तो गाइस मैंने ये डेली वाली हींग ली है। आप चाहें तो बुरादा वाली भी ले सकते हैं। एक आधा टीस्पून से कम जीरा, गैस को ऑफ कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून से कम। और इसमें गाइस तड़का लगा देंगे, थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे और इसको चलाएंगे। ये मैंने तड़का लगा दिया है। अब गाइस इसको फिर से गैस पर रख देंगे और इसमें एक खोल लगाएंगे। गैस को ऑन कर देंगे और इसमें खोल लगा देंगे एक, ताकि इसमें जो पानी डाला है और थोड़ी सी गाढ़ी डाल दी तो ये कच्चा हो जाएगी। इसमें बस खोल लगानी है। इस तरीके से चोखा बाटी के लिए मैंने दाल तैयार कर ली है। और चोखा बनाने के लिए गाइस इस तरीके से आप डिस्क्रिप्शन से आप जाकर देख सकते हैं। तो बैगन का भट्टा किस तरीके से बनाते हैं, तो गाइस इसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो मैंने वही वैसे ही बनाया है। तो ये चोखा भी बन गया है, दाल भी बन गई है। तो गाइस दाल में खोल आ चुकी है, आप किसी बर्तन में इसको परोस लेंगे। सो गाइस इस तरीके से आप चारों दालें बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। चाहे तो आप इसको रोटी से खाएं चाहे या फिर चावल से, बहुत ही टेस्टी लगती है। और मैं गाइस बना रही हूँ बाटी,